है जीटीवी न्यूज। दिल्ली में बाजार खुले लेकिन दुकानों पर खाली बैठे हैं दुकानदार। दिल्ली में धीरे धीरे सभी बाजार खुल गए हैं लेकिन अभी तक भी दुकानदार खाली बैठे नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों को भी अभी भी कोरोना का डर सता रहा है, जिसकी वजह से दुकानदारी बिल्कुल न के बराबर है। दिल्ली में अब सभी बाजारों को खोला गया है। राजधानी में लगभग सभी बाजारों की दुकानें खुली नजर आ रही है लेकिन बाजारों में अभी भी ग्राहकों की संख्या बेहद कम है। दुकानों पर दुकानदार खाली बैठे हैं और ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। उत्तरी दिल्ली स्थित सदर बाजार मार्केट में भी यही नजारा देखने को मिल रहा है। पेशे दिल्ली से राजीव तिवारी की खास रिपोर्ट। सर आपका नाम? अम्मी माकन, वाइस प्रेसिडेंट सदर निष्काम वेलफेयर एसोसिएशन का हूँ मैं। सर ये बताइए कि इस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, क्या अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है या फिर जो व्यापार के व्यापारी हैं क्या अभी भी परेशान हैं? देखो जी, जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है उससे अभी कोई खास फायदा नहीं हुआ है। जैसे पीछे वाली में था अब तो बिल्कुल भी नहीं था। अब जो इन्होंने पूरा अनलॉक किया, अभी भी कुछ इन्होंने चीज़ें अनलॉक नहीं की हैं, क्योंकि मेन सदर देखो हर चीज़ का की के कस्टमर आते हैं। अच्छा, इन्होंने अभी होटल्स नहीं खोले, पूरे रेस्टोरेंट नहीं खोले, बार्स नहीं खोली, शादियां नहीं शुरू की, तो हमारी इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। अभी इतना कस्टमर नहीं है जितना होना चाहिए, और मेरे ख्याल से अभी जो ये हालात अगर रहे तो इसको तो बहुत टाइम लगेगा ठीक होने में, क्योंकि शादियां जब तक नहीं खोलेंगे, मेरी चॉकलेट शॉप गिफ्ट की शॉप है तो कौन लेने आएगा? अभी तो लोग खाने का अपना सामान ही पूरा कर रहे हैं ना, गिफ्ट आइटम या कोई ऐसा तो देंगे नहीं, लेंगे नहीं, उससे भी बड़ा फर्क है। कस्टमर आ ही नहीं रहा, बाहर वालों जो यहाँ आता ही नहीं है उनको डर है, वो कहते हैं कोरोना है। अभी कस्टमर बहुत कम आ रहे, बाहर के तो बिल्कुल नहीं आ रहे। हम ट्रांसपोर्ट से उनका माल ऑनलाइन भेजते हैं तो काम चल जाता है, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे फेस्टिवल सीजन है, वो भी लगता है कि बिल्कुल ही कुछ बेकार जाने वाला है, बाकी देखो जो होगा सही है। देखो जी, जो ये बीमारी नहीं बढ़ती, थ्री वेव जो कह रहे हैं आएगी जी, वो जो नहीं आती तो लगता है अभी ये बाजार जो है उठेगा, काम चलेगा, क्योंकि देखो पैसा लोगों के पास है नहीं इस टाइम, और जो पैसा है वो बहुत सोच समझ के लोग खर्च कर रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही खरीद के जो है घरों में इकट्ठी कर रहे हैं लोग जो है, जो नहीं ज़रूरी, जैसे आप देखो हमारा चूल्हे का काम है, आज हमारा चूल्हा जो लोगों ने खरीद रखा है उसको पुराने को ही वो रिपेयरिंग करा रहे हैं, कह रहे हैं यार नए को हमने अभी क्या करना है, अभी तो पैसा इकट्ठा करके रखो, अभी पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। तो आगे जो है हम तो यही कहते हैं अभी सबको ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि सबके हालात बहुत खराब है इस टाइम जो है। अगर बाजारों में तो भीड़ बहुत ज्यादा है? नहीं, बाजारों में कहाँ भीड़ है, लोग देखो देखो ऐसा है, देखो बुरा ना मानना, अभी ये मजदूर लोग जो बाहर से आए हैं अभी कई तो आ ही रहे हैं, तो वो मिल रहे हैं जुड़ रहे हैं, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि बहुत भीड़ है। उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, रिलेटिव आ रहे हैं, हमारे भी कुछ आ रहे हैं बंदे जो हैं, मिलते हैं जुलते हैं, तो ऐसे लगता है कि बाजार बहुत रश है। लेकिन अभी देखो आप दोपहर के बाद आके देखो, बिल्कुल आप देखो इस टाइम बिल्कुल खाली पड़ा है बाजार, कस्टमर तो है ही नहीं बिल्कुल बाजार के अंदर। सर कस्टमर ना आने का क्या कारण है? पूरी देखा जाए सारी दुकानें खाली होती। देखो जी, कस्टमर ना आने का यही है कि एक डर बना हुआ है लोगों को कि यार हम भीड़ भड़के में जाएंगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन यही है कि हम तो देखो जी यही कहते हैं, जो भाई बाजार के अंदर देखो, बड़े बाजारों के अंदर जो अगर आप लोग नहीं आओगे, छोटे बाजारों से तो गुजारा चलने वाला है नहीं, तो यहीं पर आना तो आपको पड़ेगा ही। एक हमें मार जो मेन जो मार पड़ी है ना दुकानदारों को, ये पड़ी है कि इन्होंने ऑनलाइन जो शॉपिंग चालू रखी है ना, उसकी वजह से हम लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। कि जो अगर आप बंद कर रहे हो, पूरा प्रॉपर बंद करो ना उसको जो है, भाई लॉकडाउन, जो लॉकडाउन का क्या मतलब होता है कि आपके घर में कोई चीज़ नहीं आएगी, ना आएगी ना जाएगी, तो लॉकडाउन का मतलब ये होता है। आज देखो ऑनलाइन शॉपिंग लोगों ने इतनी कर ली कि मैं बता नहीं सकता, और इतनी लूट इन्होंने की है ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जो है, 190 रुपए वाली चीज़ मेरे बेटे ने 380 रुपए की मंगाई है, बताओ इतनी लूट थी इस पर। लेकिन मजबूरी थी आदमी की, क्या करे, पता है उनको दुकानें सारी बंद पड़ी है, ये हमारा मौका है, अभी लूटो जितना लूट सकते हो। तो महंगाई भी इतनी ज़्यादा कर रखी है, देखो आप आज कोई भी चीज़ लेने आप जाओ, 2000 रुपए का नोट ऐसे लगता है जैसे 20 रुपए का नोट हो। तो ये हालात हमारे देश के हो चुके हैं। सर आपका नाम? मैं परमजीत सिंह पम्मा, वाइस चेयरमैन फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन। सर अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट है, मार्केटों में भीड़ है, क्या व्यापारी भी आ रहा है? देखिए व्यापारी इस समय बाहर से कम आ रहा है, इस समय ये हालात हैं कि 25% भी रश नहीं है,
जो थोड़ा बहुत रश है वो है कि जिस प्रकार कोई गाड़ियां लोग गाड़ी रोड पे लगा देते हैं या ठेले वाला लगा देता है उस पर थोड़ा रश है, उस पर भी आज हमारी बैठक हुई है दिल्ली पुलिस के साथ। वो हम ट्रैफिक पुलिस को साथ लेकर और दिल्ली पुलिस के जो स्टाफ है उसको साथ लेकर इसका भी सफाई का अभियान चला रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जो तीसरी लहर की आवाज़ आ रही है उस पर किसी प्रकार का भी व्यापार पे या सदर बाजार पे असर पड़े। इसको लेकर हम व्यापारियों को समय समय पर पूरा करते जा रहे हैं, कोई सामान बाहर ना रखे, उसके अलावा मास्क लगा के रखे, सैनिटाइज करता रहे और जिस प्रकार भी हो कि जितना भी हो सके जिसकी तबीयत ठीक नहीं है वो मार्केट में ना आए। ये चीज़ों को लेकर हमारी जो मुहिम चल रही है और खासकर हमने जो DM को भी लिखा है और जो हमारे मेयर को भी लिखा है और हमारे दिल्ली के मंत्रियों को भी लिखा है कि हमें सदर बाजार में कुछ गार्ड उपलब्ध करवाए जाएं, जो सिविल गार्ड हैं वो उपलब्ध करवाए जाएं जिसमें हम ये मुहिम और तेज चला सकें। उसके साथ साथ हम मार्केट वाइज भी अब गार्ड सारे अपॉइंट कर रहे हैं। जो मार्केट के अध्यक्ष हैं या महामंत्री हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इस प्रकार की कोई भी लापरवाही ना आपकी मार्केट में हो जिसमें वहां पर मार्केट से शोर मचकर किसी प्रकार का भी कोई बीमार हो या कोई इस प्रकार का लगे कि कोरोना से वो संक्रमित होंगे। तो ये चीज़ों का हमारा चल रहा है। हम सभी से कह रहे हैं कि अपनी अपनी मार्केटों में जो प्राइवेट गार्ड तो अभी रखें, उनको जो भी मार्केट में सर्वे करते रहे, कहाँ कहीं पर भी रश लगता है या लगता है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का नहीं हो रहा और जो व्यापारी नहीं मानता, पहले तो हम एसोसिएशन के तौर पे उसको समझाएंगे, नहीं तो फिर हम पुलिस में कंप्लेंट करके उसकी पूरी जो है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मार्केट में कोई भी लापरवाही हो। सर आपका नाम? मेरा नाम नरेश चंद्र कौशिक है, मेरी फर्म का नाम भवेश जी पर बाड़ी मार्केट सदर बाजार। सर ये बताइए कि अनलॉक की प्रक्रिया तो स्टार्ट कर दी दिल्ली सरकार ने, मगर मार्केटों में भीड़ भी है, क्या व्यापारी जो है आ रहा है या फिर अर्थव्यवस्था को बिगड़ी हुई थी व्यापारियों की, क्या वो पटरी पर आ रही है? सर पहले जो ऑड एंड इवन में था तो लोगों के मन में यह था कि पूरे दिन खुल जाएगी तो काम निकल के आ जाएगा, परंतु जैसे अनलॉक पूरा खुल गया है बाजार में सिर्फ व्यापारी ही है, कस्टमर कहीं भी नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, 0% व्यापार है। अगर हम बोले खर्चा निकलना चाहिए तो खर्चा भी नहीं निकल रहा, सब ट्रांसपोर्टेशन बंद है, रेलवे बंद है, बाहर से आने वाला व्यापारी नहीं है। सदर बाजार एक होलसेल मार्केट है, जब तक तो बाहर का कस्टमर नहीं आएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ कस्टमर बिल्कुल जीरो है, यहाँ पे समय निकालना मुश्किल हो रहा है। अभी 6:45 हैं, मैं 4 बजे देख रहा हूँ 7 क्यों नहीं बज रहे हैं, जिसे घर चले जाएं, चाय पी लेंगे, कितना ना कर लें, क्या करेंगे सब व्यापारी के छकल, तो फोन नहीं बजता नहीं, हमारा ऐसा होता था वर्किंग डेज के अंदर हमारा फोन नहीं रुकता था, कभी मोबाइल बज रहा है, कभी फोन बज रहे हैं, कभी फोन बज रहा है, ऐसा हो रहा था। और ये बहुत बुरा हाल है, हमारी इकोनॉमी बहुत ख़राब है, हमें सारे काम पे बहुत बैडली इफेक्टेड है। अब आगे दिख रहा है थर्ड वेव का चक्कर लग रहा है, तो व्यापारी और भी नहीं आने की सोच रहा है कि शायद थर्ड वेव आ जाएगी हमें कुछ ना हो जाए, तो बहुत दयनीय व्यापारी तो एक दयनीय स्थिति में है, ना ऊपर है ना नीचे है, सिर्फ उसको डर है कि वो कैसे सर्वाइव करें। और गवर्नमेंट का कोई भी हमारे प्रति कोई भी सहायता नहीं है, गवर्नमेंट की टैक्स में, रिटर्न में, और में कोई पैकेज में कुछ भी नहीं गवर्नमेंट दे रही है, व्यापारी को ही पकड़ रही है, सब कुछ भुगतते व्यापारी पकड़ेगा। हमें बड़ा अफसोस है कि इतना कुछ नहीं हो रहा और गवर्नमेंट का हमारे मार्केट में बाजार में कोई सपोर्ट नहीं है। क्योंकि आप लोगों के हिसाब से मार्केट में भीड़ है वो फिर क्यों है? ये हर एक आदमी इसमें रोजगार को ढूंढ रहा है, लॉकडाउन रहा डेढ़ महीने के लगभग, 1.5 महीने ज़्यादा, हर एक आदमी सोच रहा है चलो बाजार में जाते हैं काम करेंगे, एक्चुअली परचेजर नहीं आ रहा है, बायर नहीं है। जो लोग बाजार से जुड़ा हुआ था, जल्दी पल उठाने वाला, पलेदार, रिक्शा चलाने वाला, स्कूटर चलाने वाला, वो यहाँ पे आ रहा है पर तो उसको यहाँ पे काम नहीं है। झल्ली वाले भी आके पलेदार उठा के कहते हैं बाबूजी कोई काम है, कहाँ से काम देंगे, जब बाहर से व्यापारी नहीं आएगा, नग नहीं भरे जाएंगे, माल नहीं जाएगा तो कैसे किया जाएगा? यानी व्यापारी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी व्यापारी नहीं। अगर आप रुपये में 3% बोलेंगे 3% व्यापारी ही मुश्किल से आता है, सिर्फ वो हम आते हैं धूप बत्ती किया, झाड़ा पोछी की, बस बिल्कुल।